इस वक्त ये विजुअल जो है आपको हम साफ तौर पर जम्मू बठिंडी से बता रहे हैं, जहां पर जो बठिंडी के स्थानीय लोग हैं वो आज सड़कों पर निकले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि जितनी भी काचराई लैंड है या फिर स्ट्रेट लैंड है या फिर जो रोशनी के अंदर जो जमीनें आती हैं उन पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो प्रशासन की तरफ से चलाई जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस जो है वो पहुंच चुका है, लगभग 100 से 150 घर ऐसे हैं जिनको नोटिस है पहुंच चुका है, लेकिन आज ये सब लोग जो है वो सड़कों पर निकले, वो डिमांड कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द जो है वो रिवोक किया जाए, क्योंकि हम काफ़ी सालों से बठिंडी सुजमा की अगर बात की जाए वहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ के हम निवासी हैं। और यहीं पे हम आपको बता दें कि कई बड़े लीडरान जो हैं वो इनसे मिलने के लिए जो है वो पहुँचे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत कदम है, क्योंकि अगर हमें बेघर कर दिया तो हम कहाँ पर जाकर जो है वो रहेंगे। अगर छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो वो भी आज अपने घर वालों के साथ जो है वो सड़कों पर निकले हैं, और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बच्चों ने जो है काफ़ी दिन से नींद जो है वो पूरी नहीं की है, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो पीछे से जब हम घर वापस आएंगे तो हमारे मकान जो है वो टूटे हुए होंगे। लेकिन आपको हम बता दें आज जितने भी सुजमा बठिंडी के जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक इस ऑर्डर को जो है रिवोक नहीं किया जाता, और इस ऑर्डर की खिलाफत जो है आज सुजमा बठिंडी के लोगों ने जो है वो की है। आप लोग अपनी राय जरूर रखें इस पर, और आपको हम बता दें कि क्या कहना है लोगों का, आइए हम आपको जो है विस्तार से बताते हैं। मेरा नाम है मुमरा मंजूर खान। देखिए, सबसे पहले जब हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं, माना चलो ठीक है तुम गवर्नमेंट के लिए स्टेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टेट लैंड है, लेकिन जब हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जब हमारे घर बन रहे थे, तब ये कानून कहाँ गया था, तब ये गवर्नमेंट कहाँ गई थी, तब इस गवर्नमेंट को होश नहीं आ रही थी कि आज लोगों को जाकर रोक ले कि कुछ सालों बाद इनके हमें घर तोड़वाने पड़ेंगे। आज अगर हम बारिश के मौसम में बाहर है तो ये क्या चाहते हैं, हम तपती धूप में भी बाहर रहे। अगर इनको इतना चाहिए, हम इनको हर टैक्स पे कर रहे हैं, इंडिया का हर टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी कंट्री के GST पे कर रहे हैं, बिजली बिल, पानी बिल, बिल जो भी बिल है हम हर टैक्स पे कर रहे हैं। क्या हम इनको टैक्स पे नहीं कर रहे कि हमसे हमारा हक छीन रहे हैं? हमारा हक, हर हक छीना, हमसे 370 छीना, हमने कुछ नहीं बोला। हमसे आज अगर हमारे घर छीनेंगे तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे पर यह सरकार इतना जुल्म करना चाहती है बारिश में, ये नहीं होना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं अपने प्रधानमंत्री को, ये ऐसे नहीं करेंगे, गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं करो। क्यों कर रहे हैं हमारे गरीबों के ऊपर जुल्म? ये हमारी माई बहनें देखो कैसे खड़ी हो रही हैं, इनके पास क्या है, छतरी नहीं है हमारे घरों में। हम ऐसे जुल्म थोड़ा होना चाहिए, हमारे पर इंसाफ भी होना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे बच्चे बेघर कर देना चाहते हैं, आप खुद बैठे हैं कहीं जहाजों में चल रहे हैं, कई गाड़ियों में चल रहे हैं, तो हम गरीब लोग ऐसे बैठे हैं। आया था इधर सर, कोई बात नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, हमें तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब कोई यहाँ आके हमें रिटर्न में नहीं बताता कि आपके मकान सेफ हैं। तो हमारे बच्चे तब से 3 दिन से सर डरे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, रो रहे हैं सर, बड़ा परेशान कर दिया सर इस गवर्नमेंट ने, रातों रात नोटिस आ रहे हैं, नोटिस चिपका के जा रहे हैं कि 3 दिन में खाली कर दो मकान। 47 से पहले सर हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करनी है सर? हमें गांधीनगर रेगुलाइज कर दिया, त्रुटा नगर छन्नी रेगुलाइज कर दिया, हमारा जो हमसे भी जो जेन्युइन फीस हमसे लो, हमें भी रेगुलाइज कर दो सर, हम फीस देने के लिए एग्री। हम कौन कौन से कह रहे कि हम नहीं देंगे? ये स्टेट लैंड अभी देख रही है इनको, स्टेट लैंड हम 47 से पहले जब हम तब तबाह बर्बाद हुए थे सर, उस टाइम हमें यहाँ बिठाया गया शेख अब्दुल्ला के टाइम पे, तो अभी ये इनको दिख रहा है स्टेट लैंड है 2014 के बाद सब कुछ सर, तब से इनको रातों रात इनको नोटिस आ रहे हैं इनके। सर अभी 100 से ज़्यादा नोटिस आ गए हैं, कह रहे हैं 2000 तक नोटिस आने, 2000 में तो पूरे बठिंडी खाली हो जाएगी, सुजमा खाली हो जाएगा सर, कहाँ जाएंगे हम? LG से, LG साहब से हमारी यही गुजारिश है कि सर हमारे हमें बेघर मत करो, पहले हमें मारो, कहीं फेंक दो हमें, उसके बाद तोड़ के चले जाओ। आप ले लो मकान, तोड़ने क्यों है, आप ही ले लो, रखो यहाँ, जिसको रखना हमें निकाल दो यहाँ से।